शुरू करते हैं अपनी वर्कशीट नंबर 21। तो पहले आप लोग इसे अच्छे से लेबल कर लेंगे, डेट डाल देंगे, क्लास सब्जेक्ट अपना नाम, अपने टीचर का नाम आप लोग लिख लेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, वर्क तथा वर्कमूल पर आधारित शब्दार्थिक समस्याएं। ठीक है, आज हम लोग शाब्दिक समस्याओं को हल करने की कोशिश करेंगे। इस वाली वर्कशीट में मैं सिर्फ आंसर बताने वाली हूँ, अगर आप चाहते हैं आपको फुल एक्सप्लेनेशन के साथ मिले तो आप उसके लिए हमारी दूसरी वर्कशीट को देख सकते हैं। चलिए पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। यहाँ देखिए लिखा है, आइए इन सभी प्रश्नों को हल करें। पहला प्रश्न दिया गया है, ए बाग में 3156 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हों जितनी पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब आपको बताना है कि एक जैसे आप 3156 है ना पौधे, तो अब आपको बताना है कि ऐसे कितनी रो बनेंगी, ऐसे एक रो में कितने आएंगे, मतलब जितने इस रो में आने चाहिए उतनी यहाँ पे अलग अलग रोज बननी चाहिए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। यहाँ से लिख लेते हैं कि अगर हम मान लें कि जो पंक्ति में पौधे लगे हैं वो एक्स है, ठीक है, तो पौधों की संख्या और एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम मान लेंगे इसमें यहाँ पे आपका 356 दे रखा है, जो कि गलत है, क्योंकि 56 तो इसका आंसर आने वाला है। ठीक है, अगर हम यहाँ 356 लिखते हैं तो स्क्वायर नहीं बनेगा, जिसकी वजह से आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको 36 करेंगे और 36 जो है वो 56 का स्क्वायर आसानी से बन जाएगा। ठीक, तो इस तरह से ये भी आपका आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये अंडर रूट खोलना नहीं आता है तो आप उसके लिए हमारी दूसरी वीडियो को देख सकते हैं, जिससे पहले वाली मैंने वर्कशीट के अपलोड करी, उसमें मैंने आपको ये स्क्वायर खोलना सिखाया है। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यहाँ आपका प्रश्न नंबर 2 दिया गया है कि 8वीं कक्षा के सभी छात्रों ने कोविड-19 के फंड में दान देने का निश्चय किया। प्रत्येक छात्र ने उतने ही दान दिए जितने कि उस कक्षा में बच्चे थे, यानी हर बच्चे ने उतने रुपए दिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 100 बच्चे थे तो एक बच्चे ने 100 रुपए ही दान किए। ठीक है, तो अब आपको बताना ये है कि कुल बच्चों ने जो राशि दान की वो 2601 रुपया बनी। तो अब आपको ये बताना है कि कितने बच्चे हैं क्लास में, तो इसको हम स्क्वायर रूट करेंगे। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर यहाँ से लिख सकते हैं कि छात्रों की द्वारा दी गई संख्या और छात्रों की संख्या और उनके द्वारा दान किए गए पैसे एक ही बराबर हैं। तो हमने मान लिया कि उन्होंने इतने पैसे दान किए, तो इसको हम स्क्वायर रूट में कर लेते हैं, क्योंकि दोनों एक जैसे हैं ना। तो जब ये अंडर रूट खोलते हैं तो हमारा 51 आंसर आ जाएगा। अंडर रूट कैसे खोला जाता है ये मैंने पिछली वर्कशीट में आप लोगों को अच्छे से समझा दिया, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग उस वर्कशीट को दोबारा से देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका तीसरा प्रश्न दिया गया है कि वे सभी छात्र जो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 5400 का गुणन संख्या के रूप में हो जाए। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं कि कौन सी सबसे छोटी संख्या होगी। यहाँ जो आपका ये 5400 लिखा है, इसका हम लोग पहले इस तरह से रूट खोल लेंगे, यानी इसको एलसीएम कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे इसका। तो जब आप ऐसे फैक्टर करेंगे तो देखिए ये डिजिट आपकी आ जाएगी। ठीक, तो ये डिजिट मैंने यहाँ लिख दिया। जब आप देखेंगे तो यहाँ 1, 2, 3 पेयर बनेंगे, लेकिन ये 2 बच जाएंगे। तो हमें क्या करना होता है, इनका जोड़ आता है 6, तो यहाँ हमें 6 ऐड करना होता है। तो यानी अब हमारे जो यहाँ पे अभी तक 2 का 1 पेयर बन रहा था, अब यहाँ 2 के 2-2 पेयर बन जाएंगे। इसी तरह से 3 के 2 पेयर बन जाएंगे और 5 का 1। अब हर पेयर में से हम एक एक डिजिट बाहर निकालेंगे अगर, तो इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 4 4 3 18 18 3 कितना होता है, और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180। टोटल आपका आंसर कितना आने वाला है, 180। तो आप लोग इसे आसानी से कर सकते हैं। चलिए तो आज की वर्कशीट को यहीं खत्म करते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।